ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, रोज की तरह आज भी आपके साथ हम बात करने वाले हैं आपके दैनिक राशिफल को लेके, साथ ही आपके करेंगे पंचांग के विषय में भी बात। और ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करने वाले हैं बात आपके दैनिक राशिफल को लेके, जो कि पूर्ण रूप से आप जो अभी ग्रहों की स्थिति है वर्तमान में गोचर में, उसी के आधार पर ये आपका दैनिक राशिफल हमने तैयार किया है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। साथियों, आज के दिन आपके सामने कुछ नई चीजें आएंगी आपको देखने में, और ये कुछ नए चैलेंजेस भी आ सकते हैं देखने में आपके लिए। और इन जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जो आने वाली हैं, इनका सामना करने के लिए आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखें। ऐसी कोई परेशान होने की या कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, या इनसे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। इनका सामना करें और अपने आप को उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रखिए, मेंटली भी, शारीरिक तौर पर भी। और जहां भी आप होते हैं और जिस प्रकार का भी प्रश्न आपसे किया जाता है, उसका सही उत्तर देने की आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपको अभी देखिए, जो प्रयास हैं आपके, जो एफर्ट हैं, वो तो अभी आपको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। और इससे आपकी तरक्की की जो नींव है, फाउंडेशन भी काफी स्ट्रांग होगा आपका। इसकी अच्छी पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपकी जो प्रमोशन की, या जो आपको सक्सेस मिलेगी उसके लिए। और इन सबके बीच आप स्वयं को तरोताजा, फ्रेश रखना और करना बिल्कुल ना भूलें। उपाय आप कर सकते हैं, आज के दिन तांबे का एक सिक्का या कोई टुकड़ा अपनी जेब में रखेंगे तो आपका हेल्थ परफेक्ट रहेगा। शुभ रंग आपके लिए है आज आसमानी, और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 3। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। देखिए, हो सकता है कि आपका कुछ संबंधों में उलझन पैदा हो, किसी के भी साथ जो आपके संबंध हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके मित्र हों, या कोई और दूसरे व्यक्ति हों जिनके भी साथ आपके संबंध हैं, उनमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी या उलझन पैदा हो सकती है। लेकिन एक चीज आपको और परेशान कर सकती है, कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात ना करें आप, या डबल मीनिंग वाली बात ना करें। और आपको ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है आज के दिन, जिसके कारण क्या होगा, कुछ गलतफहमियां आपके दिमाग में पैदा हो सकती हैं। लेकिन इससे किसी नुकसान के बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा लगती है हमें। अगर आप इसको एंजॉय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए इन चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय अपना मूड बिल्कुल फ्रेश रखिए, हल्का फुल्का रखने की कोशिश कीजिए, और जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनको भी एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका वाकई बहुत अच्छा और खुशगवार बीतेगा। उपाय आप कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा आपका। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज संतरी, और शुभ अंक आपके लिए है आज 9। मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन। तो साथियों, आज के दिन आप अपने ही जो आपका व्हीकल है, चाहे वो 4 व्हीलर है, चाहे वो 2 व्हीलर है, उसके कारण भी आपको परेशानी हो सकती है। और अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जाना चाहते हैं, या जा रहे हैं, या निकल चुके हैं, तो उस इस बात का ध्यान रखिए कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जरूर कर लीजिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसकी अच्छी संभावना है आज के दिन। मतलब कहने का ये है कि कोई ना कोई बैकअप प्लानिंग जरूर करके चलें, कि इन केस आपका व्हीकल खराब हो जाता है या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो आपके पास कोई दूसरा जरिया होना चाहिए, ताकि आप विलंब से ना पहुंचे, लेट ना हो। और यदि आप किसी इंटरनल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उससे परेशान हैं, तो भी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप पूर्ण रूप से अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये जिसको लेकर के आप परेशान हैं,
ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जो जिसके कारण आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान या आपकी कोई बहुत चिंता में जिसके कारण चिंता बन जाए या आप कुछ अधिक टेंशन ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इतनी टेंशन आप ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे कि अगर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे तो देखिए समय आपका बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकल जाएगा। कोशिश ये रखें कि जहाँ तक हो सके अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके अपना समय उनके साथ व्यतीत करें और उनके साथ खुशी के पलों का भरपूर आनंद लेने की कोशिश करें। उपाय आप कर सकते हैं गणपति जी या भगवान विष्णु जी के मंदिर में कांसे की जोत दान में करने से आपके पारिवारिक जीवन में जितनी बाधाएं हैं समस्याएं हैं वह दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए बनता है हरा और शुभ अंक आपके लिए आज सात। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। साथियों आज का दिन कोई भी साहसिक स्टेप जिसकी जरूरत है आवश्यकता है और आप नहीं ले पा रहे हैं आज ले सकते हैं। आज का दिन इस कार्य ऐसे कार्य साहसिक कार्यों के लिए काफी उपयुक्त है आपके लिए। आज आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करने वाला है और आज आप जो भी करेंगे उसके अच्छे ही परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और कहीं अगर निवेश करना चाहते हैं अपने पैसे का, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत सही है, अच्छा है आपके लिए, कर सकते हैं आप ये कार्य। और आपको आज के दिन सच्चा प्यार मिलने की भी काफी अच्छी संभावना बन रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा सतर्क आपको जरूर रहना चाहिए, खांसी ठंड इत्यादि से थोड़ा परेशानी पैदा हो सकती है। उपाय आप करें दादी या अपनी दादी समान किसी बुजुर्ग महिला की सेवा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज सफेद और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज आठ। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। साथियों बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए कुछ इस प्रकार से है कि जो भी आपने प्रोमिसेस, जो कमिटमेंट्स हैं आपकी अपने लिए और अपने साथ जो आपने की हुई हैं उन सभी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने का जो दिन है आज ही आपके लिए बड़ा फेवरेबल दिन रहेगा। बहुत अच्छा दिन है और अपनी जितनी प्लानिंग्स हैं उनको आप आज के दिन इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। जो भी अभी आपने हाल फिलहाल में कुछ नई प्लानिंग्स बनाई हैं, तैयार की हैं, उनको भी आप इम्प्लीमेंट आज के दिन कर सकते हैं। और अगर आपने आज के दिन उनमें से किसी भी एक को जो ज़्यादा जरूरी या आवश्यक है आपके लिए उसको आज उसकी शुरुआत अगर आप करते हैं, उसको लेकर के इनिशिएटिव लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता और कामयाबी आपको मिलने वाली है उससे रिलेटेड। हालांकि आज का दिन अपने मित्रों के साथ मजे करने और थोड़े मनोरंजन के लिए भी सही है, अच्छा है, इसीलिए शाम को सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होने की योजना आप बना सकते हैं। लेकिन बस र्यूमर्स से दूर रहें, किसी भी प्रकार की र्यूमर पर बिलीव ना करें, यकीन ना करें और एंजॉय करने की कोशिश करें, अपने आप को प्रसन्न रखें, खुश रखें। उपाय आप करें भगवान विष्णु जी की कथा पढ़ने से, सत्यनारायण स्वामी जी की कथा, या फिर भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं मत्स्य अवतार उनकी कथा पढ़ने से आपके जो लव रिलेशंस हैं वो स्टेबिलिटी आएगी उसमें। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए आज एक। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन। साथियों यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि आप कुछ हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आज आपको कुछ जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां से आपको ऑफर्स मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपको, इसकी भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, किसी को अपना अनड्यू एडवांटेज बिल्कुल ना लेने दें। कोई आपका एक तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करेगा इस बात से आप सतर्क रहें। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए सूचना एकत्र करने में सावधानी बरतिए। उपाय आप कर सकते हैं अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से अगर आप मिलने जाना चाहते हैं तो पहले अपने घर से चीनी के कुछ दाने खा करके निकले, लव लाइफ के लिए बहुत उपयुक्त उपाय है। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज केसरी और शुभ रंग अंक आपके लिए है आज छह। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। प्रिय साथियों आप तुला जो राशि के जातक हैं उनके लिए जो आज का दिन है कुछ अच्छे और बोल्ड स्टेप लेने का दिन है। यदि आपके सामने कुछ ऐसे निर्णय लेने रहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें आपको हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए और इसके स्थान पर कोई स्ट्रॉन्ग और अच्छा मजबूत डिसीजन
आप ले सकते हैं, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं उनको हाथ से जाने मत दीजिए, फिसलने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक जो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ पूरे फैसला लेंगे, आप यकीन मानिए कि यह फैसला आपकी लाइफ में यू टर्न ला सकता है। शायद आपको अभी ये चीज महसूस ना हो, पुराने संबंधों के विषय में आपको फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जिन रिलेशनशिप का, ऐसे रिलेशनशिप को रखने में दूर तक भी कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं अपना टाइम वेस्ट करने का ऐसे लोगों के साथ और ऐसी रिलेशनशिप में रहने का। उपाय आप कर सकते हैं, गणपति जी के मंदिर में जाकर के आप मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं और उसको सभी छोटे बड़े बच्चे बड़े सभी में उसको बांटिए। ऐसा करने पर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज नीला और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 4। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन। देखिए साथियों, जब भी आप वृश्चिक राशि के जातकों को कोई फैसला लेना होता है उस समय आप बड़े कंफ्यूजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, और वो इसलिए कि दिल आपका कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और यही सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर क्या है, आपको अपने मन की बात सुननी है। ऐसा करने पर आप बिल्कुल उचित फैसले ले पाएंगे और आपके जो परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं और जो आपके नियर एंड डियर हैं उनके साथ आपको रहने की जरूरत है, उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। और अगर यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो ये उसके लिए योजना बनाने का बड़ा उचित समय है। नेक्स्ट वीक आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, आप एक अच्छी जर्नी कर सकते हैं। उपाय आप करें, कच्चे कोयले शाम के वक्त बहते जल में प्रवाह करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए है आज पीला और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 8। धनुराशि यानी कि सेजिटेरियस साइन। साथियों, आज दिन भर आपका जो मूड है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि इसका एक नुकसान भी है, वो यह है कि यदि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रहते हैं तो ये भी सही नहीं है। देखिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसके कारण आपकी जो परियोजनाएं हैं उनकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। यानी कि कहने का भाव ये है कि भाग्य के भरोसे पर ना बैठे रहें, अपने कर्म भी जरूरी होते हैं। जब हम अपने कर्म करते हैं तभी हमारा भाग्य हमें सपोर्ट करता है। आज के दिन कुछ वित्तीय लाभ होने की भी संभावना है, कुछ पैसे से संबंधित आपको लाभ हो सकता है, धन से संबंधित, लेकिन आप फिजूल खर्ची ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने फिजूल खर्ची की तो इससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात हम कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबे समय तक आपको मिलता रहेगा, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आ रहा है समय, और इसका आप लाभ ले सकते हैं। उपाय आप करें, गरीब कन्याओं में सुगंधित सफ़ेद रंग की मिठाई बांटने पर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए है आज 1। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। प्रिय साथियों, आज अपने पैसे को बहुत सोच समझ करके खर्च कीजिए, क्योंकि सितारों के अनुसार जो आपके जो प्लेनेट्स हैं उनकी जो इंडिकेशंस मिल रही हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं कि अगर आप अपना पैसा अधिक मात्रा में खर्च कर देते हैं बिना सोचे बिना समझे तो इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। और आज विवाद और टकराव से बचना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, किसी भी ऐसे विवाद से दूर रहें, कोई भी कंट्रावर्सी से अपने आप को बचा के रखें, आर्गुमेंट्स ना करें किसी के साथ, तो ये आपके लिए हितकर रहेगा। जहाँ तक हेल्थ का प्रश्न आता है, हेल्थ आज आपके जो है वो अच्छी रहेगी, पूरे दिन हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं बनती है। हाँ, आप बाहर घूमने जाने का भी आनंद आज के दिन ले सकते हैं। उपाय आप कर सकते हैं, घर पर पीले रंग के पुष्प लगा करके उनकी देखभाल करें, आपकी लव लाइफ के लिए ये बहुत ही शुभ उपाय है, उसको बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज भूरा और शुभ अंक आपके लिए है आज 4। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। प्रिय साथियों, आज के दिन आपका जो झुकाव है, आपकी जो रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो धर्म की ओर या धर्म से जुड़े हुए कार्यों की ओर अधिक रहने की संभावना है, और इसी कारण
आप किसी धार्मिक गतिविधि में भी शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, और यहां तक कि किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। जहां तक हो सकता है कुछ इस प्रकार का लिटरेचर पढ़े जिससे आपको एक इंस्पिरेशन मिले, आप इंस्पायर हो, या किसी महान योग्य व्यक्ति की आप बायोग्राफी पढ़ें। हो सकता है इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत बेटर कंटेंट्स मिल जाएं, और किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रख करके अपना दिन व्यतीत करने की कोशिश होनी चाहिए आपकी। ऐसा करने पर आपको काफी राहत महसूस होगी। उपाय आप कर सकते हैं, काले एवं सफेद मोतियों की माला अपने गले में अगर आप धारण करेंगे तो ये आपके हेल्थ को लेकर के बहुत ही शुभ उपाय रहेगा। शुभ रंग आपके लिए बनता है ग्रे, और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 2। अंत में मीन राशि यानी के पाइसिस साइन। तो साथियों, आज के दिन जो आपके स्टार्स, जो आपके प्लेनेट्स की ओर से संकेत मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार का है कि आज के दिन आपकी मुलाकात किसी विशेष और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से हो सकती है, और जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद है। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोणों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से ही लेना होगा, और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने की कोशिश आपको करनी होगी। उपाय आप कर सकते हैं, गाय को पीले चने की दाल खिलाने पर आपके हर प्रकार की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं उसमें कमी आएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज मैरून, और शुभ अंक आपके लिए आज 5। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। और हमने ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार व्यतीत हो सकता है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दें और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी इजाजत लें। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साथियों, जय माता दी।